हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर इंटीग्रेट दिया है डीएक्स अपॉन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर लेट वाली कंडीशन पे देखो आप, लेट हम करेंगे कंडीशन एक्स की पावर 4 इक्वल टू t। डिफरेंशिएट किया तो 4x³.dx=dt। अब अपन ये कह सकते हैं x³dx=dt/4, बट एक समस्या हो गई, ऊपर यहाँ पर एक्स क्यूब है ही नहीं, तो अपन एक काम करते हैं ऊपर नीचे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब को, तो x³.dx/4x⁴-1। अब ऊपर देखो x³.dx की वैल्यू आ गई dt/4, नीचे x⁴ की जगह है t और t-1। ठीक है, वही लेट वाली कंडीशन पर आ जाओ, लेट 1/t t-1=a/t + b/t-1। a t-1 + b t / t t-1, 1=at - a + bt। a + b = कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया, और -a = 1 हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। a का वैल्यू -1 यहाँ पुट करें, b का वैल्यू 1 हो गया, यानी इस बार a का वैल्यू -1 आया है और b का वैल्यू 1 आया है ना। कहाँ पुट करेंगे अब इसको, यहां पुट करेंगे इंटीग्रेशन a का वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन dt/t + dt/t-1। और इनके बाहर एक 1/4 भी चल रहा है, ये कॉमन में डाल देते हैं ना। तो ये -log t + log t-1 + c, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, log t-1 ऊपर t नीचे + c। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो आप सेकंड वाला, dx/x x²+1। फिर से लेट करो x²=t 2x dx = dt। x है नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, x.dx से किया, नीचे x² + 1। तो यहां देखो x.dx = dt/2 बच रहा है हमारे पास, बच रहा है नहीं बच रहा है। तो x.dx की जगह dt/1/2 बाहर गया, dt पर गया, x² की जगह t माना, फिर से यहाँ पर t+1, जो नेक्स्ट लास्ट में किया था वही वाला अप्लाई करो। लेट 1/t t + 1 = a/t + b/t + 1, 1/t t + 1 = a t + 1 + b t / t t + 1, दोनों कैंसल आउट, 1 = at + a + b t। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू देखना, a + b = 0 हो गया और a = 1 हो गया। पुट करें 1 + b = 0, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। a और b को पुट कर दें यहाँ पर, देखो क्या हुआ, इंटीग्रेट dt/t - b dt/t+1, बाहर चल रहा है आपके पास एक हाफ, ये हो जाएगा आपके पास log t, ये हो जाएगा log t + 1 और ये +c, ये log t/t + 1 c। टी का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें अपन x² से। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।